वो खत्म, जीरो दिखा दिया भाई, जीरो किलोमीटर दिखा दिया, जीरो किलोमीटर दिखा दियो। हर चीज को केयर की जरूरत होती है, जैसे कि इन पेड़ों को पानी की, उसी तरह से हमारी स्किन को भी केयर की जरूरत होती है और हमारे बालों को भी। अब बाल मैं बड़े करना चाहता हूँ, मेरा सपना है कि बड़े बाल हो मेरे, बहुत लंबे लंबे बाल हो, इतने लंबे कम से कम, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा केयर चाहिए होती है और मैं हूँ सबसे दुनिया का केयरलेस आदमी, इसलिए मैं पहले ना कटवा कर रहा हूँ क्योंकि मेरे ज्यादा लंबे संभाले ना जाए, मेरे ना खड़े नहीं होते, सिल्की बाल बहुत ज्यादा इधर उधर पड़े रहे हैं, इसलिए पहले बाल कटवा के आता हूँ फिर आके नहाऊंगा। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मेन चैनल पर वीडियो डालनी थी और फिर व्लॉग भी एडिट करके डालना था, थोड़ा सा लेट हो गया, कोई बात नहीं, शाम को कर दूंगा ये सारे काम। फिलहाल मैं निकलता हूँ बाल कटवाने, थोड़े से ज्यादा छोटे हो गए बियर्ड भी बाल भी, पर कोई बात ना, मेरे को थोड़े छोटे ही करवाने थे, यार पीछे गड्ढा था, स्विफ्ट होती तो इतना सोचना ना पड़ता है, इसका डर लगे कहीं गड्ढे वड्ढे में गई तो भड्ड बा जाए नीचे, फिर दिल में दर्द होगा और तो कुछ ना। बाल कटवाती एक बार तो ऐसा लगा कितना कि सबसे दुनिया का सबसे बुरा आदमी कौन, मतलब बाल दाढ़ी कटवाती ऐसे खुद को ऐसी फीलिंग आती है कि दुनिया का सबसे बुरा आदमी कौन मैं। पर क्योंकि दो चार दिन बाद शूट है तो इसलिए दो चार दिन में सेट हो जाएंगे, मैंने पहले ही करवा लिया, वरना जब ही करवाता तब एकदम ज्यादा बुरा लगता, अब भी बुरा ही लग रहा हूँ वैसे तो, पर कोई बात ना यार, अब क्या ही करूँ मैं। गाड़ी की रेंज दिखा रहा है 9 किलोमीटर, सिर्फ 9 किलोमीटर और चलेगी फिर बंद हो जाएगी, इससे बढ़िया ये बंद हो जाए, मैं कहीं इसमें पेट्रोल डलवा लेता हूँ। वो तो शुक्र है कि पेट्रोल पंप ज्यादा दूर ना, नहीं तो कहीं खड़ा ही रह जाऊंगा रास्तों में। मैंने तो अभी ध्यान करा कि इसमें पेट्रोल कम है, गंदा फंस गया आज तो। मैं पर्स नहीं लाया अपना, जो सैलून है उस पे तो मेरा वो चलता है, मतलब कार्ड वार्ड से बनवा रखा है तो वहां पे बस साइन करने होते हैं, पैसे मैंने एडवांस दे रखे हैं। अब मैं अपना पर्स नहीं लेके आया ना, मैं अपना बैग लेके आऊँ क्योंकि बाल कटवाना आया था तो मैं कुछ लेके नहीं आया घर से। ये चलेगी अब 9 किलोमीटर और मेरे पास 1 रुपया कैश नहीं है जेब में, अब कैसे करूं मैं, समझ ना रहा। जतिन को फोन करता हूं, हारे का सहारा वही है बस एक। हेलो, फोन भी स्विच ऑफ होगा, भगवान कसम यो कैसी बनी मेरे साथ आज, मां कसम, फोन के डाटा केबल मिला लेके आया, फोन स्विच ऑफ होगा, कैश है नहीं, ये चलेगी 9 किलोमीटर, अब इसे कहां लगाऊं। ये तो बहुत ही बुरा कांड हुआ यार, जेब में 1 रुपया नहीं, फोन है स्विच ऑफ, इससे बुरा क्या ही हो सकता है देवा किसी के साथ। घर भी मेरा यहाँ से है 7-8 किलोमीटर, तो शायद घर तक तो पहुंच जाऊंगा, पहुंच ही जाता हूँ, बाकी बाद में देखूंगा क्या सीन रहता है। गाड़ी का एसी वैसे भी बंद कर रखा है इसने, अपनी रिस्क पे लेके जा रहा हूँ बस, इसे घर पहुंच जाऊँ किसी तरह, फिर उससे जतिन को मतलब फोन चार्ज करके, चाबी मेरे पास है घर की क्योंकि लॉक करके आया था, फोन चार्ज करके फिर उसको फोन करूंगा और उससे कहूंगा कि भाई 2-4 लीटर। ओ यार ये तो कम होता जा रहा है, 6 किलोमीटर दिखा रही है भाई, 6 किलोमीटर दिखा रही है और मेरा घर यहाँ से कम 7 किलोमीटर दूर है, जो बीच में खड़ी होगी तो तुम्हारे लिए सीन, तुम्हें बढ़िया सीन देखने को मिलेगा, तुम्हारे लिए एक और BMW की कंट्रोवर्सी। अब इसकी भी क्या गलती है बेचारी का, इसमें 5 होगा यार, भाई क्या करूँ, वापसी मोड़ लूँ क्या। पेट्रोल पंप पीछे है 2 किलोमीटर और घर है यहाँ से 6-7 किलोमीटर, गर्मी में पसीने और आ रहे हैं यार, देखना 5 किलोमीटर रह गई रेंज। एक काम करता हूँ वापसी मोड़ लेता हूँ, पेट्रोल डलवा लूँगा, उसके बाद कह दूंगा पैसे ना है मेरे पास, अपने ऐसे ही कराओ, रिस्क पे जा रहा हूँ, रिस्क पे पहले पेट्रोल डलवाऊंगा उसके बाद एक्टिंग करूंगा। मैंने कहा ओ शिट पर्स लाना भूल गया, यो ही काम करना पड़ेगा भाई, दूसरा कोई ऑप्शन ही ना है। 4 किलोमीटर रेंज रहेगी, 4 किलोमीटर गाड़ी की रेंज, सामने ट्रैफिक और ये मैं। गाइस ये क्या हो रही है, पावर ही तो नहीं हो रही है, तो ये तो माथा पच्ची हो रही है बहुत ज्यादा ही कुछ। हाँ जा रहा हूँ साले, पैसा जेब में ना है, पेट्रोल गाड़ी में ना है, तो मैं चलने की लग रही है आरामी। वहाँ सामने ना इस गाड़ी का आगे पुलिस वाले और खड़े थे, मैंने कहा पहले सीट बेल्ट और मास्क पहन लूँ, कहीं मैंने कहा रोक लो बेटा चलान काट लो, मैंने कहा अंकल एक काम करो गाड़ी रख लो और मुझे भी रख लो, अपना घर मिस्त्री विस्त्री था, मैं लिपाई विपाई करवानी तो मेरे तो करवा लेना, सफेदी होली आ रही है, सफेदी लिपाई सफेदी कर दूंगा तुम्हारे घर में, इससे ज्यादा तो क्या ही कर सकूँ, पैसा आई ना जेब में एक भी। देखो ये खड़े पुलिस वाले और ये डीएल नंबर देख के ना एक मिनट में रोक लेते हैं, फिर कहते बेटा लाइसेंस निकाल लो, फिर मैंने इनसे बहस होती थोड़ी बहुत देर। वो 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर रहेगा रेंज, 1 किलोमीटर है, भगवान राम 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 भगवान बहुत। वो खत्म, जीरो दिखा दिया भाई, 0 किलोमीटर दिखा दिया, 0 किलोमीटर दिखा दियो, पेट्रोल पंप थोड़ी दूर है। हे भगवान पहुंच जाऊं, बस ये रोड के बीच में बंद होगी तो मैं क्या करूंगा, धक्का मारते हुए शर्म आएगी, फोन भी ना है, फोन बैटरी ना है कि फोन कर दूंगा किसी के पास, अल्टो वाले जल्दी चल ले, माँ कसम पिट जाएगा नहीं, दिल में धक धक सी हो रही है, ब्रेकर आ रहे हैं तो ब्रेकर पे ऐसा लग रहा है जैसे ब्रेकर पे रुक जाएगी। पेट्रोल पंप यहाँ से 200-300 मीटर दूर है बस, पर वहां तक पहुंचनी जरूरी है क्योंकि बीच में रुक गई तो धक्का ना मार सकूं, मोटरसाइकिल होती तो घसीट के ले जाता। आगा 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 आगा, देखो रेंज 0 किलोमीटर, ये आ गई अपनी मंजिल। गाइस ये पेट्रोल पंप है, ये मैं हूँ और अरे ये ट्रक आ रहा है सामने, तो इसके ऐसे ओ भाई बंद ना हो जा कभी, ओ खड़ी खड़ी बंद ना हो जा, वे हट जा बेटे, अल्टो नहीं जितनी करते हट जाओ बेटा, अल्टो हाँ बंद और कर दे अंकल, ले भाई ए पहुंच गए भाई, वाह वाह भाई तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले हैं, पेट्रोल वाला कहाँ है लाइन,
पर रहता है क्या, घुमा घुमा भी सजा बंद हो जाएगी तुम्हारी छाती पे। यहाँ लगा देता हूँ। अब देख चाल बाजी, पहले पेट्रोल पेट्रोल। हाँ पहले तो पेट्रोल डलवाऊंगा, बाद में सरप्राइज दूंगा कि पैसे ना आए। भाई 1000 रुपए का कर दो, 1000 1000 दस का, 1010 का। हाँ नॉर्मल पेट्रोल, नॉर्मल पेट्रोल। हाँ जीरो पे जीरो। हाँ देख ली, वो जीरो देख रहा है, तुम यहाँ भी जीरो देख रहा। जीरो दिखा भी ना रहा, यहाँ ऐसे डैश डैश दिखा दिया कि नुकर तेरे बस की ना कुछ। अभी ना किस मुँह से बताऊँ भाई, कर दिया 200 रुपये का तो आ गया। यहाँ रेंज ना बड़ी यार, अभी तक मैं पर्स भूल आया अपना ऑफिस पर निर्वाणा में। पैसे ना अभी, अरे फोन स्विच ऑफ है ना, यो तो दिक्कत है, देख फोन स्विच ऑफ है। 111 किलोमीटर चल जाएगी मेरे तो। अब एक काम करो, मेरा फोन रख लो, नहीं फोन रख लो ना, एक बार अपना फोन दे, एक कॉल करनी है भाई। जतिन को फोन कर देता हूँ ना, वो यहीं आ जाएगा। चार्ज तो मोबाइल एप्पल का है, एप्पल का तो वही तो बात है, एप्पल का ना होगा ना, एक बार फोन दे दो बस मेरे को। अगर मैं तुम्हें पहले बता देता कि मेरे पैसे ना, तो हम पेट्रोल भर देते है? ना भरते ना, इसलिए ना बताइएगा। हेलो चीक ओए। अरे मैं यहाँ हूँ भाई, निर्वाण तलीगढ़ थी पेट्रोल पंप पे ना जो, यहाँ पे हूँ। मेरा फोन स्विच ऑफ होगा और मैं पर्स लाना भूल गया, गाड़ी 0 किलोमीटर रेंज थी, मैं नेट सेट पहुंचा हूँ। एक बार आइयो पैसे लेके, 1000 रुपए। ट्रांसफर किस में करेगा? तुम्हारे पास गूगल पे होएगा भी तो करेगा कैसा तू? नंबर ना, अच्छा नंबर बताना। भूपेंद्र का नाम था, लाइन पे रहा, लाइन पे रहा, कर दे एक बार। अच्छा चल काट के फोन कर दे दोबारा जल्दी फटाफट। यार मैं इसलिए ना बताया, मैंने कहा तुम अगर बता दूंगा तो मेरा पेट्रोल नहीं डालोगे, और ये उसमें दिखा रहा था 0 किलोमीटर रेंज, समझ गया ना? ये क्या चीज़ है? ये वो है कैमरा, सीधा लाइव उस पर चलता रहा है वो। ओ दो लड़कियां आ गई, इनके सामने बेइज्जती हो जाती। इन चोरी तो बताइए मत कि मेरा पेट्रोल ना था गाड़ी में, अरे पैसा भी ना थे, बेइज्जती हो जाएगी। मास्क और लगा लो, कभी पहचान लेने। अरे तुम तो वही गरीब यूट्यूबर हो ना। अब दिखा रहा है 112 किलोमीटर। एसी चढ़ा लूँ अब तो, अब क्यों गर्मी में मर रहा हूँ मैं। देखना कैसे पसीने आ गए, ये नो सोच रहे होंगे इन डर गए इसलिए पसीने आ रहे हैं। कभी कभी ऐसी हरकतें हो जाती हैं, मैं थोड़ा सा ना वो ठीक है करो उससे बेकूफ हूँ। जितने में पैसे कर दिया 1000, मैंने 1010 का डलवाया था, कितने रह गए भाई? 10 रुपये ना, मैं दुबई तो आऊँगा जब देऊँगा तुम्हें। अभी दुबई तो जाऊँगा कमा के लाऊँगा, ऊंट बनूंगा वहां जाकर रेगिस्तान में। 10 रुपया और मांग रहे अभी तो, 1000 कर दिए बहुत ना है भाई। हवा कर दियो चारों टायर में, सही बता रहा हूँ, बेचारी की कोई गलती ना है इसमें। अब ये ठीक हो गया, इसके टायर में दिक्कत थी, टायर ठीक करवाने के बाद मैं इसे रात ना दिन में कभी भी कहीं भी लेकर निकल जाऊँ, कोई टेंशन वाली बात ना है। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ इसे ना वो करवा दूँ, क्या कह रहे थे, मॉडिफाई करवा के स्पोर्ट्स कार से बनवा दूँ, इसमें 2-4 चीज अलग अलग तरह कलर सतरंगिया सी बनवा के बढ़िया कर दूँ इसे। अब पेट्रोल ना डलवाओगे तो भाई इसमें इसकी गलती थोड़ी है, बेचारी क्या करे। टायरों में कम थी भाई, हैं डलवाऊंगी ना इसमें, हवा ना डलवाऊंगी इसमें, मैं रोटी खा रहा हूं। अगर किसी के कॉन्टेक्ट में कोई ये हो जो ये कार को मॉडिफाई करते हैं, मतलब ये टेप वेप लगा कर रैपिंग वैपिंग जो बोलेगा ना, पता ना क्या बोलते हैं उन्हें, वो करते हैं तो बताना मेरे को इंस्टाग्राम पे। थोड़ा सस्ते में करवा दोगे बढ़िया से रेट में तो सही है यार, 2-4 पैसे बच जाएंगे। मैं वैसे भी 2 लाख लॉस में चल रहा हूँ, जेब में 1 रुपया ना रहे, पर्स भी भूल आया, पेट्रोल भी 1000 रुपया का, देख रहा हूँ तुम्हारे सामने कैसे डलवाया। गरीबी को सलाम। हेलो कितना क्यूट सा बाल आ गया किसी का। गाइज मैं अपनी सोसाइटी अपने घर के बाहर पहुंच चुका हूं, लेकिन मैंने घर की चाबी पता ना कहां गुम कर दी यार, ये ज्यादा बड़ी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि घर की एक ही चाबी है। मैंने ले ली थी सैलून से वहां से, पर पता ना कहां गई यार, शायद कहीं गिर ना गई हो जब मैं पेट्रोल वेट्रोल डलवाने के चक्कर में भाग रहा था। क्या मेरी जिंदगी खराब है क्या, मैं क्या करूं, चाबी नहीं मिल रही, अब क्या करूं यार भाई, ये तो गलत कांड होगा। एक बार चीकू से फोन करके पूछो अगर उसके पास हो तो, नहीं मतलब उसके पास तो हो ही नहीं सकती, पर क्योंकि मैंने सैलून से उठाई है मेरे को अच्छी तरह याद है। फोन करने की सोच रहा हूँ, फोन तो बंद पड़ा है। अगर चाबी गुम हो जाती ज्यादा कुछ ना होता, ज्यादा ज्यादा गेट तोड़वाना पड़ता, नहीं लॉक तोड़वाना पड़ता और दूसरा लग जाता, लेकिन जतिन सुना सुना के मार देता मेरे को, कह रहा है चाबी ना संभाल लिया है। मम्मी तो कुछ ना कहती है, मम्मी तो मम्मी मेरी साइड है, मम्मी मेरे को प्यार कर रहा ज्यादा। अरे दिखाता देख चार्ज हो रहा है। शाम के बज रहे 6:30 और मैं नहा धो के पूरी तरह से तैयार हूँ जोत लगाने के लिए, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा।
रात के 10:15 बजे मैं जिम जा रहा था, लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि मेरे को एक कॉल आ गई। और मेरे को जो मैंने पहले बताया भी था कि एक वेब सीरीज मैं छोटी सी प्लान कर रहा हूँ, जिसके 3 एपिसोड आएंगे, 3 एपिसोड मेन चैनल हाफ इंजीनियर, 3 एपिसोड आएंगे उसके, और चौथे एपिसोड में होगा अपना जो गाना हरियाणा के ऊपर आया था उसकी वीडियो प्रॉपर बढ़िया तरीके से, जो मैंने अभी तक सोचा है। जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। तो उसमें बहुत सारा काम कर रहा था, अभी तक मैंने स्क्रिप्ट भी पूरी नहीं करी है, इसलिए मैं जिम नहीं गया। मैंने कहा थोड़ा सा उस पर काम कर लेता हूँ, और थोड़ी थकान सी भी हो रखी थी, तो मैंने सोचा कुछ खा पी के अब घर चला जाता हूँ, मैं थोड़ा जल्दी सो जाऊंगा आज, ताकि कल सुबह जल्दी उठ जाऊँ और फिर ब्लॉग एडिट करके डाल दूँ, और फिर कल का जो पूरा दिन है वो मैं अपना स्क्रिप्टिंग में पूरा लगा के आराम से स्क्रिप्ट तैयार करके और इस पर काम शुरू कर सकूँ। तो जब वो वीडियो आ जाएगी तो उस पर देखना, मेन चैनल पे मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले तुम BMW को बताओ मैं जो सोच रहा हूँ वो सही सोच रहा हूँ या नहीं, कर दूं क्या ये वाली हरकत अगर कोई बढ़िया, और अगर हाँ अगर किसी के पास कोई बढ़िया सा ऑप्शन है कि भाई तुम ऐसे कर सकते हो, कोई फोटो वोटो है या किसी ने कर रखी हो यार दोस्त, तो मेरे को एक बार इंस्टाग्राम पे भेजना, मैं देख लूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है, वहाँ पे भेज सकते हो तुम। फिलहाल मैं थोड़ा सोने की तैयारी कर लेता हूँ। पता नहीं ये क्या हो गया है कि रात को 10 बजे सो जाऊँ, चाहिए 3 बजे सोऊँ, सुबह 10-11 बजे से पहले आँख ही नहीं खुलती। गुड मॉर्निंग गाइज, जो लोग सुबह 5 बजे 4 बजे उठ के भी लोग सुबह दौड़ मारने जाते हैं गाँव में, मेरे मामा के वहाँ भी जाते हैं, मतलब मैं भी एक दो बार उठा हूँ पर मेरी हिम्मत ना हुई कभी जो ऐसे जाने की, वो क्या खाते होंगे मतलब यार पता ना, 4-5 बजे सुबह कोई कैसे उठ सकता है। 10 बजे भी जब 2-3 बार अलार्म बज के बंद हो जाते हैं उसके बाद मैं उठता हूँ। खैर कोई बात नहीं, मेरे को स्क्रिप्टिंग करनी है, मैं उठ के नहा लेता हूँ, इस ब्लॉग को एडिट करके डाल देता हूँ। सुबह उठ के मैंने शक्ल देखी थोड़ा ज्यादा ही बुरा लग रहा हूँ दाढ़ी कटवा के, प्लीज कमेंट मत करना कि भाई ज्यादा भयंकर लग रहे हो। इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, अगर आप लोगों ने ब्लॉग यहाँ तक देख लिया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।